नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके रेल स्पार्क चैनल पे। और दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 3 मई तक अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यही नहीं, उसने 3 मई के बाद रेलवे के रिजर्वेशन को भी बंद कर दिया है। इसका सीधा असर रेल मुसाफिरों को यह संदेश देना है कि 4 मई को लेकर कोई भी अंदाजा या कयास न लगाएं और रेलवे स्टेशनों पर पहले से न जाएं। रेलवे लॉकडाउन के बाद जब भी ट्रेनें चलाएगा तो वो केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद ही चलाएगा। केंद्र भी इस मसले पर सभी राज्यों से बातचीत के बाद ही कोई दिशा निर्देश जारी करेगा। इस बीच जिस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, उससे यह साफ है कि ट्रेनों का ऑपरेशन जब भी शुरू होगा वो कोरोना के डर के साए में होगा। इसलिए रेलवे में भी अलग अलग जोन और डिवीजन के अधिकारी कई तरह की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं किस किस तरह की संभावनाएं हैं। पहला, ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने पर पहले केवल कुछ चुनिंदा ट्रेनें ही चलाई जाएं। ये स्पेशल ट्रेनों की तरह हो और इनका किराया ज्यादा रखा जाए। इससे शुरू में ट्रेनों में भीड़ को कम रखने में मदद मिलेगी और केवल वही लोग यात्रा करेंगे जिनके लिए ये बेहद जरूरी होगा। दूसरा, रेलवे ने 19 मार्च से ही दिव्यांगों, स्टूडेंट्स और मेडिकल ग्राउंड पर टिकटों पर मिलने वाले कंसेशन के अलावा सभी प्रकार के छूट पर रोक लगा दी है। दोस्तों, रेलवे करीब 57 प्रकार के अलग अलग रियायतें लोगों को देता है। इसका मकसद ट्रेनों में भीड़ को कम करना था, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेनों की यात्रा से दूर रखना। संभावना यह भी है कि फिलहाल रेलवे अपने इस आदेश को जारी रखेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यात्रा से दूर रखा जा सके। तीसरा, रेलवे शुरू में केवल स्लीपर क्लास के कोच वाली ट्रेनें ही चलाएगा। इनमें केवल उन्हीं लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। इससे जनरल क्लास के डिब्बे वाली भीड़ बच जाएगी। दूसरी तरफ एसी डिब्बों के बंद माहौल में संक्रमण की संभावना भी टल जाएगी क्योंकि स्लीपर में इन्फेक्शन का खतरा कम रहेगा। चौथा, रेलवे ने स्लीपर क्लास के 5000 से ज्यादा डब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है। इसके लिए बीच की एक सीट को हटा दिया गया है। हालांकि अभी आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इन डिब्बों की जरूरत नहीं पड़ी है, साथ ही गर्मी की वजह से फिलहाल इनके उपयोग करने की संभावनाएं कम है। ऐसे में रेलवे इन डब्बों को स्लीपर 2 के तौर पर स्पेशल क्लास के तौर पर ट्रेन को चला सकता है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में भी मदद मिलेगी। पांचवा, दोस्तों, रेलवे शुरू में कुछ चुनिंदा स्टेशनों के बीच ही ट्रेन चलाएगा। जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा मामले हैं वहां न ट्रेन चलाया जाएगा और न किसी तरह की छूट दी जाएगी। दोस्तों, यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए आप अपने दोस्तों और परिचितों को शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।